अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा भरे अंडे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे काम आ सकता है, तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिलेगी। और कमेंट्स भी करके बताया करें आप कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने 3 अंडे उबाल लिए हैं। अब ऊपर से मैंने इतना काटा है, काट के इसमें से मैं ये जर्दी निकाल लूँगी और इसको खाली कर लूँगी अंडे को। ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया पीस लिया और 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने कूट लिया है। एक मैंने छोटी साइज़ की प्याज ले ली, इसको चॉप कर लिया है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें एक चम्मच हम अदरक लहसुन का डाल देंगे, वो अच्छे से चला लेंगे अदरक लहसुन को। एक चम्मच में हरी मिर्चों का इसमें डाल दूँगी और एक चम्मच में इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। एक एक चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। एक पाव कीमा ले लिया है हमने, ये बारीक वाला, वो भी इसमें हम डाल देंगे। हसबेंदरवाद नमक डाल दूंगी इसमें मैं, आधे चमचे से भी कम ये हल्दी है ये डाल दूंगी मैं इसमें। और ये पिसी हुई मिर्चें हैं आधे चम्मच से भी कम, इसको भी सबको मैं मिक्स कर लूँगी इसी में कीमे में। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल देना है। कीमा हमारा पक चुका है, तो अब हम कर देंगे चूल्हा ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है, कीमा को उसके अंदर भर लेंगे। अंडे का जो टॉप काटा था हमने उसके ऊपर हम रख के और तीली से हम इसको ज्वाइन कर देंगे ताकि अंदर का कीमा बाहर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पतीली में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, 2 अदद मैंने प्याज ली थी उसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में और डाल दिया। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज को और अदरक लहसुन को अच्छे से हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे से हमने अदरक लहसुन और प्याज को भून लिया है, जो बाकी हरा मसाला बचा था वो हम इसमें डाल के ये भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा मैं हल्दी डाल दूँगी इसमें, थोड़ी सी चमचा में पिसी हुई मिर्ची डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी इसमें। अब मैं इसमें जो बचा हुआ कीमा है वो भी डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हमारा मसाला लगे ना। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसमें अंडे डाल दूंगी। किसी कपड़े की मदद से चला लेंगे, थोड़ी सी देर पका लेंगे इसको।
कीमा भरे अंडों की रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे काम आ सकता है और दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।